नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। टावर चौराहा पर बजरंग दल ने जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा के मामले में पाकिस्तान का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। उज्जैन के टावर चौक चौराहे पर बजरंग दल ने जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा के मामले में पाकिस्तान का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात था। जी हां, जम्मू कश्मीर में हो रही हत्या के विरोध में आज बजरंग दल द्वारा पूरे देश में पाकिस्तान का पुतला दहन कर विरोध जताया। इसी कड़ी में आज उज्जैन में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा टावर चौक चौराहे पर नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया गया। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पुतले को पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पिंटू कौशल एवं महेश यादव ने बताया कि जम्मू कश्मीर की घाटी में जो हिंसा और हत्याएं हो रही हैं, वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इशारों पर की जा रही है। जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा वहां के निवासियों और हिंदुओं से अपील की गई है कि एकता बनाकर उनका सामना करें और गोली का जवाब गोली से दे। आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्वयं ऐसे कार्यरता पूर्वक हमला करने वालों का सफाया करने से भी नहीं चुकेगा। रखते हुए जो पाकिस्तान के इशारे पर अपने घाटी में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, वहाँ पे चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है, बजरंग दल इसका विरोध करता है। पूरे देश भर में आज बजरंग दल इसका पुतला जला रहा है, जिसकी घड़ी में आज उज्जैन में भी पुतला जलाया गया बजरंग दल द्वारा। समस्त हिंदू लोगों से हमारी वहाँ पे बजरंग दल की मांग है कि अगर वहाँ पे ऐसी गोलियाँ वहाँ पे वो मार रहे हैं तो अपनी तरफ से भी जो भी प्रतिक्रिया देना बने तो वो हिंदू समाज वहाँ पे देना चाहिए। आगे की क्या रणनीति, आगे की जो भी प्रांत और